तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 मई की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताजा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए सीधे चलते हैं पहली खबर की तरफ। 1 जून यानी अगले महीने से कार बाइक का बीमा कराना हो जाएगा महंगा, सरकार के एक नए फैसले से बढ़ेगा ये बोझ। जी हाँ, वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। ताजा अपडेट के मुताबिक महंगाई का ये बोझ है कार और बाइक के बीमा को लेकर। बताया गया है केंद्र यानी के भारत सरकार ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम रेट में इजाफा कर दिया है। जैसे कि कोई कार अगर 1000 से 1500 सीसी के बीच की है तो पहले इसके इंश्योरेंस का प्रीमियम 3221 रुपए था, लेकिन इसे बढ़ाकर 3416 रुपए कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसी तरह की बढ़ोतरी दोपहिया वाहन यानी कि बाइक और स्कूटी वालों के लिए भी की गई है। अगर कोई बाइक 150 सीसी से लेकर 350 सीसी के बीच की है तो इसके अब थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस का प्रीमियम 1366 रुपए होगा। हालांकि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन पर 7.5% की छूट दी जाएगी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेश्यावृत्ति यानी कि जिस्म बेचना भी एक पेशा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश कि पुलिस बेवजह सेक्स वर्कर्स को परेशान न करे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते रोज गुरुवार को कहा कि वेश्यावृत्ति यानी कि जिस्म बेचकर जो पैसे कमाए जाते हैं तो ये भी एक प्रोफेशन यानी कि पेशा है। साथ ही देश के सबसे बड़े कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। साथ ही कहा कि अगर कोई लड़की बालिग है और वो अपनी सहमति से जिस्म बेचने का पेशा करना चाहती है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। बात यह है कि अभी हाल ही में देश के अलग अलग जगहों पर 1100 जगह पर रेड मारी गई, तो इसी मामले में कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही में ये बात साफ कर दी है कि कोई बालिग महिला अपनी सहमति से इस तरह का काम कर सकती है, लेकिन कोई वेश्यालय नहीं चला सकता, ये गैर कानूनी है। आसान सी भाषा में कहें तो कोई ऐसा नहीं कर सकता कि बहुत सारे सेक्स वर्कर्स को अपने पास काम पे रख ले और फिर उनसे इस तरह के काम करवाए। आइए चले अगली खबर की तरफ। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय जल्दी जारी करेगा गाइडलाइन, आइए बताए पूरी जानकारी। जी हाँ, दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स संक्रमण वायरस के मामले सामने आए हैं। वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब भारत सरकार भी इसे लेकर सतर्क हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी मंकी पॉक्स वायरस का भारत में एक भी केस नहीं देखा गया है, पर इसके बावजूद भी भारत सरकार इसे लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। ताजा जानकारी आई है कि अब मंकी पॉक्स वायरस को लेकर केंद्रीय यानी कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जल्दी गाइडलाइन जारी की जाएगी। यानी कि जिस तरह से कोरोना के बचने के नियम बताए गए हैं, साथ ही में कई तरह की सावधानियां बताई गई हैं, तो अब इसी तरह की गाइडलाइन मंकी पॉक्स वायरस को लेकर भी जारी की जाएगी। जाहिर बात है इसका पालन देश के सभी लोगों को करना होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में पेश हुए नए बजट को लेकर। देखें अपनी स्क्रीन पर, 2 करोड़ छात्रों को मिलेगा फ्री में स्मार्टफोन, साथ ही OBC छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए 1672 करोड़ रुपए की गई है घोषणा। जी हां, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बीते रोज यूपी का बजट पेश किया। ताजा जानकारी के मुताबिक पेश किए गए बजट में शिक्षा क्षेत्र को लेकर कई तरह की नई घोषणाएं की गयी। उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को लेकर एक बड़ी घोषणा ये है कि अगले 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को बिल्कुल फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। बताया गया है 10वीं और 12वीं में 65% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र छात्रों को बिल्कुल फ्री में स्मार्टफोन या टैबलेट दिया जाएगा। साथ ही एक दूसरी घोषणा की गई है कि पिछड़े वर्ग यानी कि OBC के छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए सरकार ने 1672 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ ही जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए 600 करोड़ रुपए अलग से निकाले गए हैं। उत्तर प्रदेश के बजट से जुड़ी देखें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगली खबर में। पेंशन पाने वालों की पेंशन को 500 रुपए से 1000 रुपए किया गया, साथ ही 5 लाख नौकरियां देने का किया गया है वादा। जी हां, उत्तर प्रदेश के पेश हुए बजट में नौकरियों को लेकर यानी कि रोजगार को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। एक बड़ी घोषणा ये की गई है कि IT सेक्टर में आने वाले 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही दूसरा ऐलान किया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में 40,000 टीचरों की भर्ती होगी। साथ ही एक और बड़े ऐलान के तहत मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत 800 बिजनेस सेंटर खुलेंगे और इसके जरिए भी 16,000 लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के बजट में बुजुर्गों के लिए एक बड़ा ऐलान ये किया गया है कि बुजुर्गों को अब 500 रुपए की बजाय 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। साथ ही एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जिसके तहत ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी में रहने वाले लोगों को जल्दी मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल सकेगी। दोस्तों आइए अगली बड़ी खबर में ताजा अपडेट देखें इंडियन रेलवे को लेकर। रेलवे ने शुरू की ये नई सुविधा, टिकट कटाने के लिए लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति। जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वेटिंग और लंबी कतारों से मुक्ति देते हुए टिकटिंग की नई सुविधा शुरू की है। बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो देश के कई रेलवे स्टेशनों पर ATM मशीन जैसी एक मशीन लगी होगी, तो इन्हीं स्टेशन पे काउंटर से टिकट लेने के बजाय आप इस तरह की मशीनों से टिकट
निकाल पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन मशीनों से टिकट लेते समय आप पेटीएम या फोन पे वगैरह के जरिए भी पेमेंट कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक पहले इस मशीन की सुविधा देश के कुछ ही स्टेशनों पे दी जाएगी, पर आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये सुविधा देश के सभी रेलवे स्टेशनों पे मिलने लगेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड को लेकर। सेमीकंडक्टर चिप ने अटकाए लाखों डेबिट कार्ड। चिप की कमी के चलते बैंकिंग सेक्टर हुआ है प्रभावित, लाखों खाता धारक है परेशान। जी हां, कई बैंकों के लाखों खाता धारक डेबिट कार्ड नहीं मिलने से परेशान है। जानकारी के मुताबिक दरअसल डेबिट कार्ड में इस्तेमाल होने वाली सेमीकंडक्टर चिप ताइवान में कोरोना संक्रमण के चलते नहीं बन पा रही है, इससे डेबिट कार्ड तैयार होने का काम लगभग ठप हो चुका है। इसी मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की माने तो ये समस्या आने वाले दिसंबर के महीने तक रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने भी एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है या आने वाले दिनों में अप्लाई करने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एटीएम कार्ड मिलने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अजमेर शरीफ को लेकर। देखें अपनी स्क्रीन पर, वारसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ को लेकर भी किया गया बड़ा दावा। प्रताप सेना ने कहा कि दरगाह हिंदू मंदिर है। जी हां, वारसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ को लेकर एक नया दावा सामने आया है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र भेजा है और इसी पत्र में अजमेर के दरगाह को हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है और साथ ही यहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़े कई चिन्ह मिलने का दावा किया गया है। इसी की वजह से मांग की गई है कि इसका भी सर्वे करवाया जाए। हालांकि इसके जवाब में अजमेर दरगाह की कमेटी ने कहा है कि ऐसे बयान आते रहते हैं, ये दरगाह सभी समाज के आस्था का केंद्र है। दोस्तों इसी तरह की एक और बड़ी खबर आ रही है बीजेपी नेता को लेकर। कैसुद्दीन ओवैसी को बीजेपी नेता की चुनौती। कहा तेलंगाना में सारी मस्जिदों की खुदाई करें और अगर वहां शिवलिंग मिलते हैं तो उसे हिंदुओं को सौंप दें। जी हां, तेलंगाना में बीजेपी के चीफ बंडी संजय ने बीते बुधवार को मीम पार्टी से जुड़े असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे डाली। बीजेपी नेता बंडी ने कहा कि राज्य की सभी मस्जिदों की खुदाई करवाएं और अगर वहां पे शिवलिंग मिलते हैं तो मुसलमानों को इन मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप देना होगा। साथ ही इसी बीजेपी नेता की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया। इन्होंने कहा कि जब तेलंगाना में बीजेपी की सत्ता आएगी तो हम उर्दू भाषा पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यूपी सरकार ने जो बजट में ये ऐलान किया है कि छात्रों को फ्री में टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा, तो क्या इस तरह की सुविधा देश के दूसरे राज्यों में भी मिलनी चाहिए या नहीं? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भेड़ को मिली 3 साल की जेल की सजा। सिर से मार मार कर महिला की ले ली थी जान। घटना के बाद अब कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हां, इंसानों की अदालत में जानवरों को भी क्राइम करने की सजा मिल सकती है, ऐसा एक अनोखा मामला साउथ सूडान में आया है। जानकारी के मुताबिक यहां महिला की हत्या का दोषी मानते हुए एक अदालत ने भेड़ को 3 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक भेड़ पे आरोप है कि उसने एक महिला की जान ले ली थी सिर मार मार कर। आइए चले अगली खबर की तरफ। कुत्ता घुमाने के लिए स्टेडियम खाली कराया तो अब IAS दंपत्ति पे हुई है बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्रालय ने पति का ट्रांसफर कर दिया है लद्दाख, वहीं पत्नी का तबादला हो गया है अरुणाचल प्रदेश में। जी हां, कुत्ता घुमाने के लिए स्टेडियम खाली करवाने वाले IAS संजीव खिरवार पर कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक उनका ट्रांसफर लद्दाख कर दिया गया है और उनकी पत्नी रिंकू का तबादला अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ऐसे रेवेन्यू कमिश्नर के पद पे तैनात है कि दिल्ली के सारे DM इनके अंडर में ही काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक मामला है दक्षिणी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम का। आरोप है कि स्टेडियम से रोज शाम के 7 बजे खिलाड़ियों और कोच को बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि 7 बजे IAS अपनी संजीव पत्नी के साथ स्टेडियम में टहलने के लिए और कुत्ते को वॉक पे लेकर आते थे। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों पति पत्नी को अलग करते हुए पति का ट्रांसफर लद्दाख तो पत्नी का तबादला अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को सजा सुनाई जाएगी आज। पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ये गुहार लगाई गई है कि 90% दिव्यांग हो चुका हूँ, इसी की वजह से सजा कम मिले। जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में कोर्ट की तरफ से अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सजा सुनाई गई। हालांकि सजा क्या होगी इसके बारे में आज बताया जाएगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते रोज की सुबह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला की ओर से वकील ने अदालत में दलील दी कि उनकी उम्र 87 साल की हो चुकी है, वो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और वो अब 90% दिव्यांग यानी के विकलांग हो चुके हैं, इसी की वजह से उन्हें सजा कम दी जाए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में आज शुक्रवार से 30 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल। कच्चे तेल के दामों में हुई है भयंकर बढ़ोतरी। जी हां, पाकिस्तान को लेकर खबर आई है कि पाकिस्तान में आज से ही पेट्रोल डीजल के दामों में भयंकर बढ़ोतरी होगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल और डीजल दोनों ही के दामों में 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 लीटर
पेट्रोल की कीमत 179.86 रुपए हो जाएगी, वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 174.15 रुपए हो जाएगी। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अभी भी भारत से सस्ता ही रहेगा। बात यह है कि भारत की करेंसी पाकिस्तान से काफी ज्यादा मजबूत है। आसान सी भाषा में कहें तो भारत के 100 रुपए पाकिस्तान में लगभग 200 रुपए हो जाते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। ताजमहल में नमाज पढ़ने पे 4 पर्यटक हुए गिरफ्तार, नमाज पढ़ते वक्त CISF ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। जी हां, ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने पे 4 पर्यटकों को CISF ने पकड़ लिया। इनमें 3 पर्यटक हैदराबाद जबकि 1 आजमगढ़ का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इन 4 के खिलाफ ताजगंज थाने में केस दर्ज किया है। हालांकि ताजमहल मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष ने इस कार्रवाई पे नाराजगी जताई है। दोस्तों अगली खबर एक बार फिर से आ रही है महंगाई को लेकर। देखिए अपने स्क्रीन पर, अब सब्जियों को लेकर भी लोगों पे पड़ने लगी है महंगाई की मार। नींबू सस्ता हुआ तो टमाटर समेत कई सब्जियां हो गई हैं भयंकर महंगी। सब्जियों के दाम की जानकारी है राजधानी दिल्ली को लेकर। जी हां, सब्जियों के दाम में भी भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिलने लगी है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते 15 दिनों के भीतर टमाटर के बढ़े हुए दाम ने इसे और ज्यादा लाल कर दिया है। बताया गया है कि अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले जो टमाटर 25 रुपए किलो मिल रहा था, अब वो 60 रुपए किलो हो गया है। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक शिमला मिर्च, आलू, फूलगोभी और फली के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बताया गया है इसका मेन कारण मंडियों में सब्जियों की आवक कम होना है, साथ ही ढुलाई और मजदूरी की दिहाड़ी भी बढ़ गई है। विक्रेताओं के मुताबिक यही वो 2 कारण हैं जिसकी वजह से पीछे से ही सब्जियों के दाम बढ़े हुए आ रहे हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है CBSE के छात्रों को लेकर के। देश के सबसे बड़े कोर्ट का CBSE परीक्षा नियंत्रक को निर्देश, कहा अंकों में अंतर को लेकर छात्रों की शिकायतों पर फिर से करें विचार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के परीक्षा नियंत्रक को अंकों में अंतर को लेकर छात्रों की शिकायतों पर दोबारा विचार करने पर इस मामले में सही फैसला लेने का निर्देश दिया है। बात यह है कि CBSE के कई सारे छात्र अपने परीक्षा के अंक को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। तो इन्हीं में से एक की तरफ से कोर्ट में याचिका डाली गई और ये बताया गया कि उनके अंक ज्यादा बनते हैं, लेकिन CBSE की तरफ से जो परिणाम आया है इसी की वजह से कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि छात्रों को जो परेशानी हो रही है इस मामले में दोबारा विचार करें और सही फैसला लें। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने BPCL की हिस्सेदारी बेचने का फैसला वापस लिया। आइए बताएं क्या है वजह। जी हां, सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपनी समूची 53% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश फिलहाल वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर बोली लगाने वाली कंपनियों के निजीकरण में भाग लेने को लेकर अक्षमता जाहिर की है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो जो भारत पेट्रोलियम है उसमें सरकार की हिस्सेदारी 53% है। हालांकि अभी हाल ही में खबर आई थी कि सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर भारत पेट्रोलियम को पूरी तरीके से प्राइवेट कर देगी। हालांकि अब फिलहाल की ताजा जानकारी के मुताबिक बेचने का फैसला वापस ले लिया गया है क्योंकि सही से खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों आइए अगली खबर में जाने मौसम विभाग की तरफ से मौसम का ताजा अपडेट। आज 27 मई को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 27 मई को केरल में, दक्षिण कर्नाटक में, लक्षद्वीप में मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी असम में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि 1-2 स्थानों पर यहां पर भी तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाकी बचे पूर्व उत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, तटीय आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, साथ ही विदर्भ में और तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में, कोंकण में और गोवा में भी हल्की से कम यानी कि छिटपुट बारिश हो सकती है। आइए दोस्तों अगली खबर में देखें कोरोना वायरस का ताजा अपडेट सीधे सरकार की वेबसाइट से। बीते रोज एक बार फिर मिले 2600 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के, इसी दौरान फिर गई 18 लोगों की जान। जी हां, बीते रोज एक बार फिर से 2600 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के, साथ ही इसी दौरान 18 लोगों ने फिर अपनी जान गंवा दी है कोरोना के कारण देश भर में। हालांकि अच्छी बात ये रही कि 2000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं इसी दौरान। बाकी अब जो अपने देश में कोरोना के बचे हुए मरीज हैं, यानी जो अभी भी कोरोना के शिकार हैं, उनकी संख्या 15,414 हो गई है। आइए चले अगली खबर की तरफ। हॉकी में टीम इंडिया ने किया कमाल, एशिया कप में इंडोनेशिया को 16-0 से हराया, पाकिस्तान को पीछे छोड़कर सुपर फोर में कर लिया है क्वालिफाई। जी हां, भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप के अपने आखिरी पूल मैच में इंडोनेशिया को 16-0 के बड़े अंतर से हराकर सुपर फोर में प्रवेश कर लिया है। साथ ही जानकारी के मुताबिक कुछ मामलों में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। आने वाले 21 जून से शुरू होगी रामायण सर्किट यात्रा। IRCTC की तरफ से 18 दिनों में अयोध्या से रामेश्वर तक कर सकेंगे दर्शन। एक यात्री के लिए टूर पैकेज का किराया है 62,000 रुपए। जी हां, IRCTC की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन आने वाले 21 जून से रामायण सर्किट यात्रा से शुरू हो रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो IRCTC की तरफ से ट्रेन के जरिए एक रामायण यात्रा कराई जाएगी। ये ट्रेन फुल्ली AC है। जानकारी के मुताबिक 18 दिन की यात्रा दिल्ली से शुरू होगी। दिल्ली से फिर अयोध्या, फिर जनकपुर, फिर सीतामढ़ी,
फिर वाणसी, फिर नासिक, फिर रामेश्वरम, यानी कि इन सब जगहों पे घुमाते हुए ट्रेन लगभग 8000 किलोमीटर का सफर करेगी। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा में राम जन्मभूमि साथ ही उनकी कर्म भूमि से जुड़ी कई जगहों के दर्शन कराए जाएंगे। टूर पैकेज को बुक करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए irctctourism.com को विजिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज 27 मई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।